नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं अंशी शर्मा और आप सभी का रियासी अपडेट्स में स्वागत है। इस समय हम रियासी के वार्ड नंबर 3 में मौजूद हैं और मेरे पीछे आप ये कम्युनिटी बाथरूम देख रहे हैं और जो नेम प्लेट यहां पे लगाई गई है वो भी आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे। इस नेम प्लेट में म्युनिसिपल कमेटी रियासी लिखा हुआ है और कंप्लीशन ऑफ कम्युनिटी बाथरूम एट वार्ड नंबर 3 नियर डाइट नई बस्ती रियासी अंडर CDF स्कीम इनागोरेटेड बाय श्री अजय नंदा जी हॉनरेबल XMLA रियासी इन प्रेजेंस ऑफ श्री सुदेश पुरी जी प्रेसिडेंट MC रियासी एंड श्री वरुण शर्मा जी काउंसलर वार्ड नंबर 3 रियासी ऑन 22/11/2019, यानी कि 22/11/2019 को ये जो नेम प्लेट के मुताबिक ये काम खत्म हुआ था, क्योंकि साफ तौर पे यहाँ पे कंप्लीशन ऑफ कम्युनिटी बाथरूम लिखा हुआ है। लेकिन आपको बता दें कि आज तक ये कम्युनिटी बाथरूम जनता को समर्पित नहीं किया गया है और इसकी हालत आप देख सकते हैं, जनता को समर्पित नहीं किया गया है लेकिन जो हालत इसकी बनी हुई है वो भी साफ तौर पे आप इन सीधी तस्वीरों में देख सकते हैं। शीशा इस खिड़की का टूटा हुआ है, जगह जगह झाड़ियाँ हैं और जो पहाड़ से मलबा है एक तरफ वो कहीं ना कहीं नीचे कम्युनिटी बाथरूम की तरफ आ रहा है और ब्रस्ट बाल की यहाँ पे ज़रूरत है। इसके साथ ही गंदगी का माहौल चारों तरफ है। आखिर क्यों अभी तक ये जो कम्युनिटी बाथरूम है ये जनता को समर्पित नहीं किया गया? और जो स्थानीय लोग इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, ये लोग वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 3 और हो सकता है कुछ लोग वार्ड नंबर 2 के भी हों, यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। काफ़ी सालों से इसका काम चल रहा था, पिछले करीब 2 सालों से काम ख़त्म भी हो गया है, लेकिन इसके बावजूद भी 1.5 से 2 साल पहले काम ख़त्म भी हो गया है लेकिन इसके बावजूद भी जनता को समर्पित नहीं किया गया है। जनता के टैक्स के पैसे से इसका जो कंस्ट्रक्शन है करवाई गई लेकिन जनता को इसको उपयोग में लाने के लिए अभी तक नहीं दिया गया है। यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, क्या नाम है आपका, कब से ये प्रोसेस शुरू हुआ था इसका निर्माण कार्य और कब से ये बनकर ख़त्म हो गया है काम जो इसका, और अभी तक आखिर क्यों समर्पित नहीं किया गया? क्या कभी इस मार्फत आप यहाँ के जो स्थानीय काउंसलर हैं उनसे मिले हैं या MC रियासी के चेयरमैन से मिले हैं या अजय नंदा जी जिन्होंने इसका उद्घाटन किया था? नमस्कार अंशी जी, पहले तो मैं आपको नमस्कार करता हूँ और साथ में शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने जो भी हमारे रियासी में कोई ऐसी समस्या होती है तो आप उनको दिन प्रतिदिन अच्छे ढंग से उठाते हैं। मेरा नाम वीरेंद्र शर्मा है, मैं मूल रूप से वार्ड नंबर 1 का निवासी हूँ और जो ये आप दिखा रहे हैं बाथरूम इस बिल्कुल पास में ही हमारा घर है। इसका काम 2018 में शुरू हुआ था और शायद 2019 के करीब ये काम ख़त्म हो गया था, जबकि हमारे उस टाइम के MLA कहें तो या मंत्री भी रहे MOS शायद अजय नंदा जी, उन्होंने ही उनकी देख रेख में ही ये सारा बना है और शायद जिस दिन प्लेट लगी है उस दिन वो भी यहाँ पर आए हुए थे। लेकिन उस दिन के बाद ये मैं समझता हूँ कि जनता को समर्पित कर देना चाहिए था। ये वार्ड नंबर 1, 2 और 3 ये तीनों वार्डों को बिलोंग करता है और जो लोगों की समस्या थी एक आए दिन के लेडीज़ के लिए बाहर अंदर जाने के लिए तो उसकी उस देख रेख में ही ये सारा कुछ किया गया था। लेकिन उन्होंने क्यों इसको बंद करके रखा है ये तो आज तक किसी को ना उन्होंने बताया ना अपने ही 4 लोग आके उद्घाटन करके चले गए थे, तो हमने सोचा आज नहीं तो कल। अभी तक इसमें पानी की व्यवस्था नहीं की गई है, बाकी इसका मेरे हिसाब से 25 से 30 लाख के बीच खर्चा आ गया अभी तक और जैसे आपने दिखाया इसकी हालत देख लो अब, अगर ये 1-2 साल में इसको नहीं किया गया तो ये 25-30 लाख जनता के गए पानी में। और देख रेख किसी तरह की यहाँ पे नहीं, कोई भी नहीं है। आप देख रहे हैं, आप कैमरा घुमा के दिखा दीजिए इनको, ये हालत है। 25-30 लाख रियासी म्युनिसिपल कमेटी ने ही खर्चा किया है जो बहुत बड़ी अमाउंट होती है, जबकि पब्लिक को इसका 1 रुपये का फायदा ही नहीं है। तो हम चाहते हैं सभी मूल रूप से मेरे साथ और भी वार्ड नंबर 1, 2, 3 के निवासी खड़े हैं कि ये जल्दी से जल्दी इसको अगर बनाया है तो जनता को देना चाहिए, जनता को कुछ ना कुछ तो बेनिफिट मिले इसका। कम्युनिटी बाथरूम इसे कहते हैं, क्या कम्युनिटी में जब कोई मृत्यु हो जाती है उसके बाद का जो क्रियाक्रम होता है उसमें वो लोग यहाँ पे आकर जो भी रीति रिवाज के मुताबिक कार्य होते हैं वो सही मायने में ये उसी काम के लिए बनाया गया था, उसी की सारी लोगों की सोच इसके साथ में जुड़ी हुई थी कि रियासी के वार्ड नंबर 1, 2 और 3 में कहीं भी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। जो भी लोग जाते हैं हमारे मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में जाने के बजाय कुछ औरतें होती हैं जिन्होंने नहाना धोना पड़ता है, रीति रिवाज करने पड़ते हैं, तो इसलिए इसको बिल्कुल साइड पे
एक जगह मुकर्रर कर गई थी कि वार्ड नंबर 1, 2, 3 के लिए जो अच्छी जगह है, लेकिन मैं समझता नहीं हूँ कि हमारे सिस्टम में क्या है कि इसको किस तरह से आगे करना चाहिए। जब लोग क्या करते रहते हैं, हमारे जो भी मेंबर हैं उनको भी ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। ये आम लोगों की प्रॉब्लम है, मृत्यु सिर्फ मेरे घर में नहीं होनी। मृत्यु अगर कोई पैदा हुआ तो हर घर से कोई ना कोई मृत्यु होगी, तो ये हर एक के काम के आने वाली चीज़ है। इसको क्यों बंद करके रखा आज तक, हमें तो कोई जानकारी नहीं है इसके बारे में। जी हमारे चेयरमैन साहब ज़्यादा बेटर बता सकते हैं, या फिर जिन्होंने इसका उद्घाटन किया हमारे MLA साहब, वो बता सकते हैं कि बंद क्यों किया है। और अगर बंद ही नहीं करना था तो 25-30 लाख रुपए ये कहीं और लगाते, तब तक उसका तो बेनिफिट होता। ये 25-30 लाख रुपए जहाँ ढांचा खड़ा करके लगा दिया है, जबकि इधर पानी की व्यवस्था नहीं है। आज भी हमारी औरतें बेचारी कैसे कैसे करके वो रीति रिवाज निभा रही हैं। ये कोविड की वजह से कितनी कितनी प्रॉब्लम है। पहले तो जत्था जाता था, 60-70 औरतें होती थी, एक दूसरे को ढक सकती थी। अभी औरतें ही 5 जाती हैं तो वो वही समझ सकती हैं, जहाँ उनके पेरेंट्स घर वाले समझ सकते हैं कि वो किस तरह से इसको कर रहे हैं। तो मैं निवेदन करता हूँ DC साहब से कि वो भी संज्ञान लें इस चीज़ का, कि अगर बनाया है इसमें 25-30 2 लाख रुपये अगर और खर्चा हो गए ये किसी जनता के काम आए, तो मेरे हिसाब से उनको लगाना चाहिए। जी जी, चलिए। तो जब MC रियासी के चेयरमैन से हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि अभी जो ऊपर टैंक है उसकी व्यवस्था नहीं है, टैंक जाने की नहीं लगाया गया है, और इसके साथ ही वाटर टैंक की मैं बात कर रहा हूँ, और इसके साथ ही बिजली की व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है, अगर बोर्ड यहाँ पर कंप्लीशन का लगा हुआ है और करीब 1.5 से 2 साल के बाद भी अगर वो व्यवस्था पानी और बिजली की यहाँ पे नहीं कर पाए हैं, तो ऐसे में गलती किसकी है, जिम्मेवार कौन है, अकाउंटेबल कौन है, रिस्पॉन्सिबल कौन है? कौशल्या जी हमारे साथ मौजूद हैं, यहीं पे रहती हैं, पास में ही इनका घर है। कौशल्या जी, कब ये सिलसिला शुरू हुआ था इसके बनाने का, और आखिर क्या लगता है कि क्या कारण रहे अभी तक ये जनता को समर्पित नहीं किया जा रहा? शुक्रिया अंजू जी, आप हमेशा जनता की आवाज़ उठाते हो। मैं जनता की तरफ से और अपनी तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे ये यहाँ आके अपना कीमती समय निकाल कर मुझे ये सवाल पूछा। अंजू जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ, 2008 की बात है, जब हमारा डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में था, वार्ड नंबर 1, 2 और 3 के ये सभी लोग हम बसें भर के डिप्टी कमिश्नर के पास हम जाते थे, अपनी जेब से पैसा खर्च करके। तमाम ये मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरी बुज़ुर्ग, हम सब जाते थे वहाँ पे। तो उसके बाद फिर ये हमारा आफ्टर डेथ बाथरूम ये सेंक्शन हुआ, तो उसके बाद हमारा ये डिस्ट्रिक्ट रियासी में बन गया। यानी कि आप उस दौर की बात कर रहे हैं जब ये रियासी जिला भी नहीं था, 2007 हाँ, के पहले की आप बात कर रहे हैं? हाँ, मैं 2007 से पहले की बात करती हूँ। तो जब हमारे अजय नंदा जी, जहाँ से भाजपा के MLA जीत के MLA भी थे, वो मंत्री भी रहे, तो उनके ये समय की बात है कि उन्होंने CDF का पैसा यहाँ पे लगाया और इस बाथरूम को खड़ा किया, और 2000 मैक्सिमम एक साल ये काम चला, और 2019 में ये काम कंप्लीट हो गया। उसके बाद ये कहीं किसी भी जनता का हैंडओवर नहीं किया, और हैंडओवर करने से पहले इनके शीशे टूटे हुए हैं, पहाड़ी ऊपर से नीचे आ रही है, फाउंडेशन के लिए प्रोटेक्शन चाहिए, यहाँ पर प्रोटेक्शन बाल चाहिए, और ये हमारा पीपल का पेड़ है, इसका जो भी हम जो करते हैं, जो हमारे रस्म रीति रिवाज होते हैं वो करके, इसके लिए प्रोटेक्शन चाहिए हमें। और हैंडओवर करने से पहले देखो ये फ्लोर टाइल जो डाली हुई है ये उखड़ी हुई है, चारों तरफ देखो घास के कितने कितने ये यहाँ पे झाड़ियाँ हैं घास की। तो मैं ये कहना चाहती हूँ चेयरमैन साहब को कि कहीं क्यों आपने, अगर जनता का पैसा, हम लोग टैक्स देते हैं, हमारे टैक्स खून पसीने की कमाई का पैसा यहाँ पर आपने लगाया है, लेकिन इसका फ़ायदा क्या है? जब भी हमारे कहीं डेथ होती है, डेथ के बाद हमारी लेडीज़, हमारी जो रस्म रिवाज है, हमें कहीं चश्मे पे जाना पड़ता है, कहीं मंदिर में नहाने के लिए, कोविड की वजह से हम लोग मंदिर में भी नहीं जा सकते हैं। मेहरबानी करके इसको खोला जाए, इसको जनता के हैंडओवर किया जाए। और मैं यहाँ के जो पार्षद हैं वरुण शर्मा जी, मैं मीडिया के माध्यम से उनको भी कहना चाहती हूँ कि इस ये जनता के हैंडओवर किया जाए, और जनता, हमारी लेडीज़ को ये फैसिलिटी मिलनी चाहिए आफ्टर डेथ नहाने के लिए। और 10 दिन हमारे, जब हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक 10 दिन होते हैं, उसमें भी हम नहाने के लिए आते हैं, हमें बहुत ज़्यादा समस्या होती है नहाने की, और ये जनता के हैंडओवर किया जाए, और हमारी जो भी मेरी बहनों की, महिलाओं की, पुरुषों की
जो भी समस्या उसका हल किया जाए। जी जी, चलिए, तो विश्व गुरु बनने की बात होती है, लेकिन ये कुछ लाख के प्रोजेक्ट जो हैं, 25-30-35 लाख के जो प्रोजेक्ट हैं, इनको ही लोगों को समर्पित करने के लिए या बनाने के लिए एक लंबा समय लगा दिया जाता है। देखिए, रेलिंग नहीं है, ट्रांसफार्मर यहाँ पे लगाया गया है, और अगर ये शुरू भी किया जाता है तो अगर ऐसे ही इसकी व्यवस्था इसी तरह रहती है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे करंट लगने का भी खतरा होगा। और टाइल्स की जो बात कर रही थी कुशल्या जी, वो आप देख सकते हैं टाइल उखड़ना भी शुरू हो गई हैं, और झाड़ियाँ हम देख सकते हैं चारों तरफ उगी हुई हैं, और जंगल सा माहौल यहाँ पर है, और इसके साथ ही पीपल का पेड़ है, वहाँ पर भी थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करने की ज़रूरत है, लोगों की मांग है। और ये जो पहाड़ी है, इससे मलबा जो है नीचे आ रहा है, ब्रेस्ट वॉल की भी लोग मांग कर रहे हैं। तो लोगों का साफ तौर पे ये आरोप है कि इसके बनने के बाद भी छोटा मोटा जो काम है, बिजली पानी का जो काम है, वो कहीं ना कहीं अभी भी लंबित है, अभी पूरा नहीं किया गया है, जिस कारण ये लोगों को समर्पित नहीं किया गया है। और कमी म्युनिसिपल कमेटी की है, गलती म्युनिसिपल कमेटी की है कि आखिर करीब 1.5-2 साल के बाद भी इसे जनता को समर्पित क्यों नहीं किया गया, क्यों बिजली पानी की जो व्यवस्था है समय पर यहाँ पर उसकी व्यवस्था की गई है। जी, आप कह रहे हैं। हाँ अंशु जी, मैं ये भी कहना चाहती हूँ, अभी देखें हैंडओवर तो किया नहीं है, 2 साल हो गए बने हुए, वहाँ डोर के नीचे जो सीढ़ी बननी थी उसकी हालत देखो, वो भी जैसे लगता है कहीं 10 साल पुराना यहाँ पे काम हुआ है, वो टूटी फूटी पड़ी हुई है। मुझे समझ नहीं आती है ये ओके किसने किया, कौन सा डिपार्टमेंट था जिसने घुस खा के इस बिल्डिंग को अभी कहीं किसी के हैंडओवर नहीं किया। इसका मतलब कोई उनकी कमी है, इसीलिए वो लोग छुपे हुए हैं। उन लोगों को सामने आना चाहिए, हमारे टैक्स का पैसा इन्होंने खा के इस बिल्डिंग को त्याग किया, लेकिन ये पैसा मुझे ये समझ, मैं ये कहना चाहती हूँ मीडिया के माध्यम से, ये पैसा कहीं और लगना था, लेकिन जनता के लिए जहाँ पे वॉशरूम बनाया गया था वो जनता के काम नहीं आया। और मैं अंशु जी ये भी कहना चाहती हूँ चेयरमैन साहब को, चेयरमैन साहब जल्दी से जल्दी इसको जनता के हैंडओवर कीजिए, जहाँ औरतों की जबरदस्त समस्या है, औरतों को नहाने की यहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है, वो देखो 2 किलोमीटर वहाँ औरतें जाती हैं आफ्टर डेथ नहाने के लिए, 10 दिन जब होते हैं तब भी वहाँ त्रिंथा चश्मे पे जाती हैं, मंदिर में जाती हैं, लेकिन मंदिर वाले अब कोविड की वजह से वहाँ जाने नहीं देती हैं। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ, क्योंकि जब जहाँ पे प्लेट लगे हुए 1-2 साल हो गया काम किए हुए, लेकिन अभी तक ये प्रशासन हमारा सोया हुआ है, गहरी नींद में हमारे पैसों को वेस्टेज किया गया है। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ, ये देखो यहाँ पे क्या हालत है, इन दीवारों की क्या हालत है, ये देखे क्या हालत है यहाँ पे इन दीवारों की, दीवारें मुझे लगता है ये पहाड़ी ऊपर से तुरंत नीचे आ जाएगी, लेकिन इसके लिए प्रोटेक्शन वॉल दी जाए। धन्यवाद जी। जी, तो काफ़ी पुरानी मांग थी, इन्होंने कहा कि तब जिला भी नहीं था जब ये मांग इनके द्वारा उठाई गई थी, फिर CDF के पैसे से पूर्व जो MLA और MOS रहे हैं उन्होंने अपने पैसे से CDF के पैसे से यहाँ पे काम शुरू करवाया, लोगों को उम्मीद जगी कि अब ये जो कम्युनिटी बाथरूम है ये बनकर जल्दी से लोगों को समर्पित किया जाएगा, और यहाँ लोग आएंगे जब भी किसी के घर पे मृत्यु होती है उसके बाद के जो रीति रिवाज हैं वो यहाँ पे किए जाएंगे, लेकिन अभी तक जनता को समर्पित नहीं किया गया। एक और सदस्य यहाँ के स्थानीय निवासी हमारे साथ हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या याद करवाना चाहेंगे पूर्व राज्य मंत्री को, क्या याद करवाना चाहेंगे MC रियासी के चेयरमैन को, या फिर यहाँ के स्थानीय पार्षद जो हैं वार्ड नंबर 3 के? मैं जोगिंदर कुमार शर्मा नियर डाइट वार्ड नंबर 1 से बोल रहा हूँ। तो जहाँ प्रॉब्लम ये है कि ये कम्युनिटी बाथरूम ये समझो 2 साल पहले बना हुआ था, तो अब ये इनॉग्रेट नहीं हुआ, मतलब चालू नहीं हुआ, अब इसके जो है बिल्डिंग जो है ना बिल्डिंग सारी मतलब डैमेज हो रही है, तो और प्लांट प्रोटेक्शन जो है ना पूरी टोटल है ना वो ऊपर से मलबा पहाड़ी से मलबा आ रहा है, और उसको साइड में चाहिए उसकी ब्रस्ट बाल, तो चारों तरफ उसको ब्रस्ट बाल चाहिए और प्लांट प्रोटेक्शन चाहिए। ये आप महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं, क्योंकि जब ये शुरू हो जाए अगर तो उसके बाद इस तरह का कुछ हादसा हो जाए, मलबा नीचे आ जाए और कोई मौजूद हो यहाँ पे, तो ये काफ़ी सीरियस इशू है। काफ़ी सीरियस कहूँगी, पहाड़ी है ना, पहाड़ी के नीचे जो बना हुआ है तो पहाड़ी ऊपर से हाइट तकरीबन कोई 50 फुट है, तो 50 फुट ऊपर से मलबा आता है तो सारा मतलब बिल्डिंग के साथ लगता है, तो और उसमें साथ इसको चाहिए प्लांट प्रोटेक्शन, मतलब ब्रस्ट बाल चाहिए और प्लंथ प्रोडक्शन चाहिए चारों तरफ। दूसरी है कि उसमें टैंकी लगी है 1000 लीटर की, वो भी बिल्कुल बेकार है, वो भी मतलब बंदरों ने है ना मतलब उखाड़ दी है, तो कम से कम टैंकी चाहिए 2000 लीटर की, 2000 लीटर के हो तो फिर पानी की व्यवस्था, बाकी लाइट बिल्कुल नहीं है,
तो एक और है बिजली का जहाँ ट्रांसफर और पानी की टंकी चेंज करने में इतना वक्त लगा दिया मुंसिपल, सवाल उठेगा ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो मतलब टाइम थोड़ा सा काम था, ये काम मतलब अधूरा छोड़कर ना ही चालू हुआ ना ही कुछ। बाकी देखो ये ट्रांसफार्मर लगा है इसमें, देखो शायद में साइड में इसको फेंसिंग चाहिए कम से कम, तो और एक समझो बाढ़ का उसको थड़ा चाहिए मतलब परिक्रमा करने के लिए, वो भी परिक्रमा के लिए वो भी नहीं बना। तो बाकी देख लो काफी पुरानी मांग थी क्या ये स्थानीय लोगों की, इन्होंने जैसे बताया कौशल्या जी ने कि 2007 से पहले ही इस मांग को उठाया गया था और प्रोसेस कहीं ना कहीं शुरू हुआ था। जब यहाँ का काम शुरू हुआ क्या उम्मीद थी कि एक दो साल में डेढ़ साल में ये आपको समझ है ना? देखो ये कौशल्या जी ने काम चलाया शुरू कराया था कम से कम 2007 में, साथ में प्रोसेस हुआ तब हमारी डिस्ट्रिक्ट उधमपुर थी, तो उस टाइम का ये प्रोसेस है। तो फिर बाद में चलते चलते कम से कम 2018 में लगा काम, तो कम से कम काम करते हुए कम से कम 2 साल लग गए, तो अभी तक ये चालू नहीं हुआ। तो बाकी यही डिमांड है तो पब्लिक को हैंडओवर होना चाहिए। स्पष्ट तौर पर ये कह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी मुकम्मल करके बिजली पानी का काम पब्लिक को हैंडओवर, पब्लिक को हैंडओवर होना चाहिए। तो कम से कम मेन है इसका पानी का चक्कर, पानी नहीं और बिजली नहीं, तो पानी के लिए 2000 की टैंकी चाहिए। बाकी साइड में देख लो जी प्लांट प्रोटेक्शन जब होनी चाहिए और ब्रश वॉल बननी चाहिए। तो बाकी ये है कि बिजली का जो ट्रांसफार्मर है इसके चारों तरफ जो है ना फेंसिंग होनी चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। चलिए तो कुछ इन्होंने मांगे की हैं, उन मांगों को पूरा करना चाहिए। और आप कुछ कहना चाहेंगे क्या मांग करेंगे एमसी रियासी के चेयरमैन से या फिर डीसी रियासी से? अगर वो नहीं कर पा रहे चेयरमैन तो डीसी रियासी से क्या कहेंगे? खुलना चाहिए, सबने जरूरत है। हाँ जी हाँ सारे जरूरत है, ये दूर जाना पौंदा, बोली जन्ने त्रिंथा बोली जन्ने अस नहाने आस्ते। अच्छा इत्थे कोई भी मृत्यु होंदी कुसे दे घर ते तुसीं त्रिंथा बोली जाना पौंदा, त्रिंथा बोली जाना पौंदा जां मंदिर जाते हैं तो मंदिर च उत्थे जान नहीं दिंदे हैं, नहाने दी बड़ी प्रॉब्लम होई जांदी है, नहीं नहाई सकदे उधर, ते इस गल्ला भाई होना चाहिदा बनना चाहिए, जल्दी कोला जल्दी तैयार होना चाहिए है। जी जी, पानी तो बिजली जरूर होनी चाहिए। हाँ पानी भी तो बिजली की ज्यादा जरूरत है। जी बिल्कुल पानी की जरूरत है क्योंकि महिलाएं यहाँ पे नहाते हैं और सफाई की भी मांग की है, खुलने के बाद हो सकता है यहाँ पे कोई व्यवस्था की जाए सफाई की। आप क्या कहना चाहेंगे? ये खुलना चाहिए, जो इधर की लेडीज 10 दिन तक जो आफ्टर डेथ जो जरूरत होती है तो उधर इतनी दूर 2 किलो 2.5 किलोमीटर जाना पड़ता है, तो जो बंद करके रखा हुआ है कोई चाबी किसके पास है, वो किसको हैंडओवर की हुई है? पानी होना चाहिए, पानी छोटी टंकी लगाई है तो 2000 लीटर की होनी चाहिए, लाइट भी होनी चाहिए, कोई फैसिलिटी होनी चाहिए प्रॉपर जैसे होती है वैसे, ये जरूरी है सभी के लिए। जी चलिए शुक्रिया। तो मांग तो ये की जा रही है कि जल्द से जल्द खोला जाए, अब देखते हैं कि जो एमसी रियासी के चेयरमैन हैं या फिर पूर्व मंत्री हैं क्या वो कोशिश करते हैं और जो यहाँ के स्थानीय पार्षद हैं क्या वो भी इस मामले को म्यूनसिपलिटी में उठाते हैं, बैठक में उठाते हैं और भविष्य में देखते हैं कि आखिर कब ये जो कम्युनिटी बाथरूम है लोगों को समर्पित किया जाता है। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मेरे सहयोगी नरेश भगत के साथ मुझे दीजिए अनुमति, धन्यवाद।